नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कार्बनिक यौगिकों का नामकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोस्तों उससे पहले हम पढ़ेंगे सहजातीय श्रेणी। सहजातीय श्रेणी क्या है? नाम से स्पष्ट है, सहजातीय श्रेणी अर्थात ऐसी श्रेणी जिसके यौगिक समान हो, दिखने में समान हो, उनकी संरचना समान हो, तो हम उन्हें कहेंगे सहजातीय श्रेणी के यौगिक। क्या बनेगी परिभाषा? संरचनात्मक गुणों में समानता रखने वाले यौगिक के समूह के सदस्यों को उनके बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे हम कहते हैं सहजातीय श्रेणी। अर्थात जो सहजातीय श्रेणी है उसमें यौगिकों को उनके बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जैसे संरचनात्मक गुणों में समानता, संरचनात्मक गुणों में समानता रखने वाले यौगिकों को उनके बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में व्यवस्थित करना, तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है? सहजातीय श्रेणी। संरचनात्मक गुणों में समानता रखने वाले यौगिकों के सदस्यों को उनके बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में व्यवस्थित करना सहजातीय श्रेणी कहलाता है। अर्थात जो यौगिक है उनको हम उनके बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में व्यवस्थित करते हैं दोस्तों। तो सहजातीय श्रेणी में पहले आता है एल्केन। आप सभी जानते हैं एल्केन का जो सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। CN ये एल्केन जो श्रेणी है उसका सूत्र है CnH2n+2। यहाँ n बराबर 1, 2, 3 से लेके 10 तक हो सकता है, अर्थात C1 हो सकता है, C2, C3, C4, C10 तक ऐसे हो सकता है। और दोस्तों यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि C1 बराबर अर्थात C1 है तो हम उसे कहेंगे मेथ। क्या कहेंगे? मेथ। यदि C2 है तो हम उसे कहेंगे एथ। यदि C3 है तो हम उसे कहेंगे प्रोप। यदि C4 है तो हम उसे कहेंगे ब्यूट। यदि C5 है तो हम उसे कहेंगे पेंट। यदि C6 है तो हम उसे कहेंगे हेक्स। यदि C7 है तो हम उसे कहेंगे हेप्ट। यदि C8 है तो हम कहेंगे ऑक्ट। यदि C9 है तो हम कहेंगे नॉन, ऑक्ट नॉन। और C10 है तो हम कहेंगे डेक। तो दोस्तों ये C1, C2, C3, C4 से लेकर C10 तक इनके नाम है। यदि यहाँ n बराबर C1 है तो C1 हो जाएगा, n बराबर 2 है तो C2 हो जाएगा, n बराबर 3 है C3 हो जाएगा। मतलब n का मान अपन 1, 2, 3 से लेकर 10 तक रख सकते हैं। और यदि ऐसी कोई आती है C1, C2 तो उनको इस नामों से प्रदर्शित करता है। और ये पूर्व लग्न है, पूर्व लग्न मेथ एथ प्रोब ब्यूट पेंट एक्सेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये आपको याद करना है क्योंकि जब हम IUPAC नाम पढ़ेंगे तो आपको ये पूरे याद होने चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं उदाहरण कि हम किस प्रकार एल्केन से इसके यौगिक बना सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने n बराबर 1 रख लिया, क्या रख लिया? 1, तो C1 हो जाएगा C1। फिर क्या आएगा? H। फिर 2 और n बराबर क्या? 1, अर्थात 2 1 से गुणा होगा तो 2 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, अर्थात CH4। तो हम इसे C1 नहीं लिखे, क्या लिखेंगे? CH4। इसे हम कहेंगे मेथ
अब एल्केन का जो अनुलग्न है वो एन, क्या है एन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा मेथेन। इसी प्रकार यहां आप एन बराबर दो रख सकते हो, यदि एन बराबर दो रखते हैं तो क्या हो जाएगा सी टू एच। यहां एन बराबर दो रखते ही दो दो से गुणा होगा चार, और ये प्लस दो, क्या कितना हो जाएगा छः, 2 × 2 = 4 और 2 = 6, C2H6। यहाँ पे C2 है तो हम क्या लिखेंगे एथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे एथ प्लस इसका अनुलग्न एन, तो क्या बन गया एथेन, एथेन। तो इस प्रकार आप यहाँ एन का मान रखकर 1 से लेकर 10 तक आप ऐसे नाम निकाल सकते हैं, और इनको हम इनके बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं सजातीय श्रेणी। जैसे CH4 का अणुभार कम है, C2H6 का अणुभार ज़्यादा है, फिर C3H8 का अणुभार और ज़्यादा है, तो जो जो आगे जाएंगे अणुभार बढ़ता जाएगा दोस्तों। इस प्रकार हम देखिए दोस्तों, दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं CH4, C2H6, C3H8 ऐसे, तो इनकी संज्ञानात्मक गुण क्या समान है, लेकिन हम इनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं सजातीय श्रेणी। अब देखिए दूसरा दूसरा एल्कीन है, एल्कीन, और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। अर्थात यदि हम n बराबर यहाँ 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा C का तो C हो जाएगा, और H 2 गुना होगा 1 से, क्योंकि n का मान यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा CH2। लेकिन दोस्तों ये यौगिक नहीं बनेगा, यहाँ एन का मान 2 लेंगे, कितना लेंगे 2, तो क्या हो जाएगा C2H2 से 2 गुना होगा C2H4, C2H4 इसका नाम क्या होगा C2 है, तो क्या हो जाएगा मेथ एथ प्लस। अब जो एल्कीन है इसका लगाएंगे अनुलग्न, इसका होता है ईन, क्या होता है ईन, तो क्या हो जाएगा एथीन। इसी प्रकार यदि एन बराबर 3 लेते हैं तो C3H फिर 2 × 3 कितना हो जाएगा, क्योंकि एन का मान रखते हैं 3 से गुणा होगा, तो C3H6, यहाँ C3 है तो क्या लेंगे मेथ एथ प्रोप। वो नाम जो मैंने पीछे बताए उनको याद कर लेना, बहुत काम आएंगे आगे, C1 से लेकर C10 तक। तो C3 है तो प्रोप प्लस अनुलग्न इसका ईन, क्या हो जाएगा प्रोपीन, प्रोपीन। देखिए दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं सभी, लेकिन इनको हम इनके बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। C2H4, C3H6 इसका अणुभार इससे कम है। देखिए तो ये क्या हो गया सजातीय श्रेणी। अगला है हमारा एल्काइन, 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 और एल्केन का सूत्र बिल्कुल एल्केन का उल्टा है CnH2n-2, वहाँ क्या था प्लस 2 था। तो यदि हम n बराबर क्या लेंगे 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा सूत्र C2, और यहाँ 2 का मान यहाँ रखेंगे तो 2 × 2 कितने हो गए 4, और 4 में से जाएंगे 2, कितने जाएंगे 2, तो क्या हो जाएगा C2H2। अर्थात इसका नाम क्या हो जाएगा मेथ एथ है, तो ये एथ प्लस। अब जो एल्काइन है इसका अनुलग्न होता है आयन, क्या होता है आयन, तो क्या हो जाएगा एथाइन, एथाइन। इसी प्रकार हम एन बराबर 3 का मान रखकर यहाँ लिख सकते हैं, 3 इसमें नहीं आएगा, आ जाएगा C3 एच, 3 का मान यहाँ रखेंगे 6 हो जाएंगे, 6 में से 2 हो जाएंगे 4, C3H4, तो मेथ एथ प्रोप, इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइन, आयन इसमें क्या लग जाएगा अनुलग्न। इसी प्रकार एल्कोहल, एल्कोहल का सूत्र है CnH2n+1
OH, इसी प्रकार एल्डिहाइड का सूत्र हो जाएगा CnH2nO। तो दोस्तों इस प्रकार ये सभी सजातीय श्रेणी के यौगिक है और इनको हम इनके सूत्र इन सूत्रों से हम निकाल सकते हैं कि इनका सूत्र क्या बनेगा और फिर इनको हम इनके बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी। यौगिकों का नामकरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। और कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की तीन पद्धतियां, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC पद्धति। इसमें से रूढ़ पद्धति और IUPAC पद्धति इंपॉर्टेंट है। IUPAC पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे वो काम आएगी। तो दोस्तों देखते हैं, पहली रूढ़ पद्धति, पहली है रूढ़ पद्धति, रूढ़ पद्धति, इसे कॉमन सिस्टम भी कहते हैं, कॉमन सिस्टम, या हम कह सकते हैं इनके साधारण नाम, साधारण नाम। रूट पद्धति, कॉमन सिस्टम या साधारण नाम। तो दोस्तों रूट पद्धति में नाम कैसे दिया जाता है यौगिकों का? या तो उनके स्रोत से, किस स्रोत से वो प्राप्त हुए हैं, या उनके किसी विशिष्ट गुण से, क्या उनका विशिष्ट गुण है, या वो किस तरह से प्राप्त हुए हैं, या किसने उसका आविष्कार किया है, इन बातों के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। जैसे किसी स्रोत, किसी स्रोत, विशिष्ट गुण, विशिष्ट गुण, स्थान और आविष्कार। अर्थात रूट पद्धति में यौगिकों का नामकरण किसी स्रोत के आधार पर, उनके विशिष्ट गुण के आधार पर, उनके किसी विशिष्टता या आविष्कार के आधार पर नामकरण किया जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कुछ रूट पद्धति द्वारा दिए गए नाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी छोटा क्वेश्चन आ जाता है, निम्न यौगिक का साधारण नाम है, निम्न यौगिक का रूट नाम है। तो हम इसे पढ़ते हैं। पहला हमारा CH4, CH4, इसे हम मेथेन भी कहते हैं, मेथेन। और इसका जो नाम है, रूड नाम, रूड नाम, ये क्या है? सूत्र। और यहाँ क्या जाएगा? कहाँ प्राप्ति, ये कहाँ प्राप्त होता है, कहाँ मिलता है? ठीक है, पहला CH4, इसे मेथेन कहते हैं। इसका रूट नाम है मार्स गैस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, मार्स गैस है CH4 या मेथेन। और ये कहाँ से प्राप्त होती है? मार्स गैस दलदली स्थानों से प्राप्त होती है, दलदली से, जो मार्स गैस है वो दलदली स्थानों से प्राप्त होती है। नंबर 2, CH3OH, इसे हम कार्बिनोल भी कहते हैं, कार्बिनोल। इसका रूट नाम है कास्ट स्पिट, कास्ट स्पिट, कास्ट स्पिट। और ये कहाँ से प्राप्त होती है? यह लकड़ी के भंजक आसवन से, लकड़ी के बंजक आसवन से प्राप्त होती है। नंबर 3, HCOOH, इसका रोड नाम है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, फार्मिक अम्ल HCOOH क्वेश्चन आता है, फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो लाल चींटी, लाल चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कैसे प्राप्त करते हैं? लाल चींटी के भंजक आसवन से, लाल चींटी के भंजक आसवन से। देखिए अगला नंबर 4,
CH3COOH, इसका रूट नाम है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। कहाँ पाया जाता है? सिरके में, सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नंबर 5, COOH, COOH, इसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। कहाँ पाया जाता है? ऑक्जेलियस पौधे में, ऑक्जेलियस पौधे से, ऑक्जेलियस पौधे से पाया। NH2CO, इसका रूट नाम है यूरिया। क्या है? यूरिया। कहाँ से प्राप्त होता है? मूत्र से, मूत्र से। अगला है CH3CH2OH COOH, इसका नाम है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। CH3CH2OH COOH, लैक्टिक अम्ल सभी को पता है दूध से प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है। अगला है OH CH CH2 COOH COOH, यहाँ दोस्तों सी एच ही रहेगा क्योंकि यहाँ ओ एच प्रतिस्थापी लगा हुआ है, इसलिए OH CH CH2 COOH COOH। ये है मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल। और सभी को पता मैलिक अम्ल सेव से प्राप्त होता है। अगला है H3CCH2CCH2COOH, तो यहाँ COOH ही आएगा, HOOC, यहाँ COOH और यहाँ CH, COH CH2 CCH COOH CH2 COOH। ये जो संरचना है सूत्र है किसका है? सिट्रिक अम्ल का, सिट्रिक अम्ल का। सिट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? नींबू से, नींबू से। तो दोस्तों ये कुछ रूट नाम है जो आपको याद करने हैं। लैक्टिक अम्ल दूध से, मैलिक सेव, सिट्रिक नींबू, यूरिया मूत्र से प्राप्त होता है, और ये इनके सूत्र। रूट पद्धति से नामकरण कैसे करते हैं वो 3 स्टेप सीखते हैं। छोटे छोटे 3 नियम हैं रूट पद्धति से नामकरण करने के या साधारण नाम निकालने के। जब हम IUPAC नाम पढ़ते हैं तो हमको उनके साधारण नाम भी पता होना चाहिए। तो पहले हम साधारण या रूढ़ नाम, साधारण या रूढ़ नाम निकालने के 3-4 नियम वो पढ़ लेते हैं। पहला, यदि जो श्रृंखला है वो अशाखित है, श्रृंखला अशाखित है और लंबी है, तो हम जो नाम लिखते हैं साधारण नाम, उससे पहले क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन, अशाखित श्रृंखला, अशाखित कार्बन श्रृंखला होने पर अनुलग्न एन लगाते हैं, नहीं पूर्वलग्न, सॉरी, अनुलग्न तो बाद में लगता ना, पूर्वलग्न। चलो, अशाखित कार्बन श्रृंखला होने पर पूर्वलग्न एन हम लगाते हैं। यदि हमारे पास जैसे CH3CH2CH2CH3,
ये हमारे पास में कोई लंबी श्रृंखला कहीं पे शाखित नहीं है, अशाखित है। तो हम इसका नामकरण करेंगे मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट, क्योंकि चार कार्बन है ना। पिछले भाग में मैंने बताया था कि C1, C2, C3 इनके नाम आपको याद करने हैं, पूरे कार्बनिक केमिस्ट्री में काम आएंगे। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, अर्थात ये क्या है, ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन, लेकिन अशाखित है और लंबी कार्बन श्रृंखला है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? एन ब्यूटेन। तो ये नियम आपको ध्यान रखना है, अशाखित कार्बन श्रृंखला होने पर पूर्व लग्न एन लगाते हैं। एक उदाहरण और देखिए, CH3, CH2, CH2, OH, मेथ, एथ, प्रोप। मेथ, एथ, प्रोप, तीन कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोप, प्रोपेन हो गया। लेकिन यहाँ क्या, एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। तो हम इसे कहेंगे एन प्रोपिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल। तो दोस्तों इस प्रकार अपने को नामकरण करना है, साधारण नाम, साधारण नाम, क्योंकि एग्जाम में कई बार साधारण नाम पूछ लिए जाते हैं। C1, C2, C3, C4 ऐसे 1, 2, 3, मेथ, एथ, प्रोप और ये क्या क्या, एल्कोहल, और लंबी अशाखित है तो एन प्रोपिल एल्कोहल। अब देखिए दूसरा नियम, दूसरा नियम है, यदि हमारे पास में CH3, CH, CH3 और यहाँ पे शाखित श्रृंखला, क्या है, शाखित, मतलब एक कार्बन तीन से जुड़ा हुआ, एक दो और इधर तीन। जैसे यहाँ क्या है, CH3 मान लो आप, क्या है, CH3। यदि ऐसी स्थिति है तो हम पूर्व लगन लगाएंगे आइसो, पूर्व लगन आइसो का उपयोग करेंगे। देखिए CH3CH है और इसके एक ये शाखा निकल रही है, अर्थात ऐसी स्थिति है, ऐसी कि एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम जब साधारण नामकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे, पूर्व लगन आइसो, आइसो का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, आइसो का। देखिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, लेकिन हम इसमें चारों को ही गिनेंगे, ठीक है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, अर्थात क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन। यदि एक उदाहरण देखिए, CH3, CH2, CH, CH3 और इधर भी CH3। तो देखिए ये वो स्थिति आ गई वापस, एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ, तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, क्या नाम हो जाएगा, आइसो पेंटेन। केवल आपको क्या लगाना है, आइसो लगाना है, आइसो पेंटेन। तो दोस्तों इस प्रकार हम साधारण नामकरण कर सकते हैं, कुछ पूर्व लगन लगाकर, छोटे से नियम है दो तीन, वो आपको याद करने हैं। अब एक तीसरा नियम देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे संबंधित साधारण नाम पूछा जा सकता है। जैसे ये देखिए CH3, 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 यहाँ देखिए एक कार्बन से चार समूह जुड़े हुए हैं और वहाँ कितने थे, तीन। लेकिन एक कार्बन से ऐसी स्थिति में यदि चार समूह हैं, चार प्रतिस्थापी इस प्रकार जुड़े हुए हैं, तो हम पूर्व लगन का उपयोग करेंगे और उस पूर्व लगन का नाम क्या हो जाएगा, नियो। क्या हो जाएगा, नियो। ऐसी स्थिति बन रही है तो हम पूर्व लगन नियो का उपयोग करेंगे। देखिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन। तो दोस्तों देखिए ऐसी स्थिति आते ही आपको समझाना है कि यहाँ क्या जाएगा, पूर्व लगन नियो आ जाएगा और मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, नियो, सॉरी रॉन्ग हो गया, नियो पेंटेन, नियो पेंटेन।
और ये पांच से कम नहीं बनेगा क्योंकि चार तो इनके साथ में चाहिए, एक बीच में चाहिए, तो पांच समूह होने चाहिए, पांच कार्बन होने चाहिए, पांच कार्बन होते क्या जाएगा पेंटेन, तो क्या कहेंगे नियो पेंटेन। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि आइसो का उपयोग कब करना है, जब एक कार्बन से तीन कार्बन समूह प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हो तो हम आइसो का उपयोग करेंगे, एक कार्बन से चार इसी प्रकार जुड़े हुए हैं तो हम किसका उपयोग करेंगे नियो का, और यदि असाकित और लंबी श्रृंखला तो हम किसका उपयोग करेंगे एन का उपयोग करेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो तीन और चार, यदि एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो हम उसे क्या कहेंगे एक डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, निम्न संरचना में कितने एक डिग्री है, दो डिग्री, तीन डिग्री, ऐसे। देखिए यदि एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो हम उसे क्या कहेंगे एक डिग्री, और यदि एक कार्बन परमाणु दो कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो हम उसे क्या कहेंगे दो डिग्री, यदि एक कार्बन परमाणु तीन कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो हम उसे क्या कहेंगे थ्री डिग्री, यदि एक कार्बन परमाणु चार कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो हम उसे क्या कहेंगे फोर डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है, यदि एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो वो एक डिग्री कहलाएगा, एक कार्बन परमाणु दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो दो डिग्री, एक कार्बन परमाणु तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो तीन डिग्री, एक कार्बन परमाणु चार कार्बन से जुड़ा हुआ है तो चार डिग्री। यहाँ एक डिग्री को हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और चतुष्कीय भी कहते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और चतुष्फलकीय, नहीं चतुष्कीय सॉरी, फल की अलग आ जाएगा। चलो अब एक उदाहरण से इसको समझते हैं, CH3, CH2, CH2, CH3, 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 ये CH3, ये हमारे पास में कोई संरचना दे दी अपने को क्वेश्चन में और अपने से पूछ लिया निम्न संरचना में कितने तीन डिग्री कार्बन है या दो डिग्री कार्बन है या चार डिग्री कार्बन है, तो अपने को यहाँ पहचानना है कि इसमें चार डिग्री कितने हैं, तीन डिग्री कितने हैं। यदि एक कार्बन एक से जुड़ा हुआ तो एक डिग्री, दो से जुड़ा हुआ दो, तीन, चार, ऐसे। यहाँ देखिए ये कार्बन केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को क्या कहेंगे एक डिग्री, ध्यान से देखिए दोस्तों, और ये कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है, अर्थात ये क्या है दो डिग्री है, क्या है दो डिग्री, द्वितीयक है, और ये कार्बन देखिए इससे जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, ये भी क्या है दो डिग्री है दोस्तों। ये देखिए ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है, अर्थात ये तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम इसे कहेंगे तीन डिग्री, क्या कहेंगे तीन डिग्री, और ये कार्बन केवल इससे जुड़ा हुआ है ये क्या कहलाएगा एक डिग्री। ये देखिए दोस्तों ये इससे भी जुड़ा हुआ, इससे भी, इससे भी, इससे भी, एक दो तीन चार, ये वाला कार्बन चार डिग्री है क्योंकि चार कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला एक डिग्री, ये वाला सॉरी ये भी एक डिग्री कहलाए क्योंकि इससे जुड़ा हुआ, ये भी एक डिग्री। तो दोस्तों यहाँ देखिए एक डिग्री कितने हैं, एक डिग्री कार्बन बराबर कितने हैं एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे पांच कार्बन एक डिग्री है, दो डिग्री कितने कार्बन है एक दो, केवल दो कार्बन है, तीन डिग्री कार्बन कितने हैं एक है केवल एक, चार डिग्री कार्बन कितने हैं एक। तो दोस्तों इस प्रकार यदि हमको पता है कि ये हम प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक और चतुष्कीय कार्बन किसे निकालते हैं तो अब आसानी से इसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो दोस्तों। व्युत्पन्न पद्धति,
नंबर दो व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति में हम कार्बनिक यौगिकों के नाम उनके जनक यौगिक से व्युत्पन्न करते हैं। व्युत्पन्न पद्धति में हम कार्बनिक यौगिकों के नाम उनके जनक यौगिकों के व्युत्पन्न करते हैं अनुलग्न लगाकर। जनक यौगिकों से व्युत्पन्न किसे करते हैं? अनुलग्न लगाकर। अर्थात व्युत्पन्न पद्धति में हम जनक यौगिक से व्युत्पन्न करते हैं उनके व्युत्पन्न पद्धति से नाम। देखिए पहला एल्केन, एल्केन। अब एल्केन है तो एल्केन के बहुत सारे व्युत्पन्न है। एल्केन एक कार्बनिक यौगिक है और इससे बहुत सारे यौगिक बन जाएंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एक्सेन, एप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो इसका जो अनुलग्न वो एन, क्या है? एन। यदि मेरे पास सी एच फोर क्वेश्चन उत्तर है, यहाँ कार्बन क्या कितनी है? एक। अर्थात क्या हो जाएगा ये? मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन। यदि मेरे पास एल्कीन है, एक एल्कीन में द्विबंध होता है, कितना बंध होता है? द्वि, और इसका अनुलग्न है इन। क्या है? इन। तो हम सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, ये सूत्र है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। कितना कार्बन है? मेथ और एथ, एथ दो है और इन लगाएंगे अनुलग्न, क्या हो जाएगा? एथीन। नंबर तीन देखिए एल्काइन, एल्काइन में अनुलग्न आइन, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये हमारे पास में सूत्र है। कितने कार्बन है? मेथ एथ दो है, एथ, लेकिन आइन अनुलग्न लगाएंगे क्या हो जाएगा? एथाइन। चौथा एल्कोहल, एल्कोहल सी एच थ्री ओ एच, इसे हम कार्बिनोल कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्बिनोल, कार्बिनोल। चौथा है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड सी एच थ्री सी एच ओ, इसका नाम हो जाएगा मेथ एथ, एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड। अगला देखिए पांचवा कीटोन, कीटोन सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री एसीटोन, एसीटोन। चौथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल सी एच थ्री सी ओ ओ एच, इसका नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों इस प्रकार हम उनके जनक यौगिक, ये इसके क्या है? जनक यौगिक है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये इनके जनक यौगिक है और इनका अनुलग्न हम लगाकर व्युत्पन्न पद्धति से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। जैसे यहाँ मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ऐसा हो सकता है, यहाँ एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन ऐसा हो सकता है, यहाँ एथाइन, मेथाइन, मेथाइन नहीं होगा, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन ऐसा, यहाँ कार्बिनोल, एथेनोल, प्रोपिनोल, एसिटेल्डिहाइड, ब्यूटीनल्डिहाइड ऐसे, एसीटोन, एसिटिक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ऐसे हम इनके जनक यौगिक है इनके अनुलग्न लगाकर उनका नामकरण कर सकते हैं व्युत्पन्न पद्धति से। व्युत्पन्न पद्धति में जनक यौगिक से व्युत्पन्न हम निकालते हैं अनुलग्न का उपयोग करके। तो दोस्तों ये थी दो पद्धति, रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईयूपीएससी पद्धति नामकरण। यदि आप लैब असिस्टेंट के विद्यार्थी है या आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या आप इलेवन ट्वेल्थ किसी भी क्लास के विद्यार्थी है, आपको आईयूपीएससी नाम पढ़ने पड़ेंगे।
उससे पहले आपको क्रियात्मक समूह याद करने पड़ेंगे। क्रियात्मक समूह वरीयता से आपको याद करने पड़ेंगे, और वरीयता का क्रम की एक ट्रिक मैंने बताई है, वो ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी आपको, वो वीडियो आप जरूर देखना, बिल्कुल मिस मत करना। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भेजें। यदि आपको इन सभी नोट्स की हैंड रिटन PDF चाहिए NCERT वाली, तो आप नीचे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपको सभी प्रकार की PDF और नोटिफिकेशन जल्दी मिल